अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं यहाँ से ज़ोरबाद बुखारी तुसा देते पे हो सराकिस्तान टीवी। असा आज कोट मिठन का इलाका है वांग बुखारी शरीफ दरबार, आज उर्स की आखरा जड़ा है क्योंकि इतना दरबार सील है। तो दे सकते साढ़े पिछू के मेले की तकरीबात तो शुरू है लेकिन दरबार सील है। सब तो बड़ी गल है कि दूर दराज तू जे अज जहरीन आए हुए हैं उन्हें भी गल करेसू तो को दरबार के हवाले नाल ही दसेसू कि सरकार का सिजरा न सब कितू शुरू थे और कितना ये उर्स है। सब तो पहले तो ये दसेसू कि सरकार हजरत गौस मोहम्मद अल मारूफ सरकार सैयद अचारन इमाम बुखारी द सिजरा नसब ओ शरीफ दे वली आसर हजरत शेर शाह सैयद जलालुद्दीन हैदर सुरखपोश बुखारी नाल पंजवी जगह उत्ते जाते मिलते। लेकिन सब तू अफसोस का दिन अज खुशी का दिन भी है और अफसोस का दिन भी है। वो एक वास्ते खुशी का दिन है कि अज मेला लगा हुआ है कुछ इंच इलाके अज कायम हो जाए मैं, लेकिन दुख ही चीज का है कि दरबार सील है। जाहिर जितने भी आते पैन सिर्फ और सिर्फ बाहरों ज़ियारत करके वेंदे पैन। असा अज बुजुर्गे नाल भी गाल करेसू पूछू भी सही कि 450 साल के अरसे के अंदर अज पहली दफा दरबार सील है और खाली मेला पे पिया उदी वजह क्या है, अज क्या तकलीफ ही थी है या नहीं थी तो साढ़े ना अज तो इन चीज से भी असा दसेसू। हाँ जी, ये दसेसू कि 450 साल पुराना उर्स है लेकिन ये उर्स तकरीब उत्ते अज मेला ना थींदा पे दरबार सील है। क्या कोई अरमान है, कोई दुख है, चक्कर क्या है, समझ नहीं लग रही है। 18 से हम बात कर रहे हैं ज्यादा इलाके का मेला है और दुनिया की दरगाह धर्म का तो हर बंदा भाई ज्यादा कोई भी ना रहे बाहर है। एक साल के बाद हमने मिला हर साल हमने लगन इतना है वो पहली दफा दे रहे थे पहले नहीं था जी। असा नाल एक बुजुर्ग है जेरे बहु काफ़ी अरसे तो तकरीबन 40-45 साल तो इतना आते पैन, लेकिन उन्होंने भी गाल करे सू चाचा सी दसाओ हाँ क्या ये दरबार का ही अज तक है 80 साल में उम्र है 80 साल में उम्र है ये अगले सवार और सीमा है मेरा सीमा है लेकिन अगले सवार नहीं होया हुकूमत ने तब्दील करके इतना के बोला ये सवार के लिए घोट जा लिया हर आवाम अंधी पी है ढेर आवाम है लेकिन दरवाजा बंद दरवाजा क्यों बंद है क्यों बंद है ऐसा है इमरान खाली चाहिए क्यों बंद की थी खड़े सजा खड़े दरवाजा क्यों बंद है बुखारी का वो आलम भी बुखारी भंजी को ले सारे कितना है हजारों हजारी बहुत कई खड़ी है लेकिन न जेल की दे ये दरवाजा आज तक खुले हैं आज उनका खत्म का झाड़ा है आज उनका खत्म का झाड़ा आखिरी शादी का त्यौहार शादी का त्यौहार है आखिरी असली हाजिरी की त्यौहार है असली सेकंड त्यौहार है क्यों। हां ये सब तो पहली गल है कि सरकार दी आज खुशी शादी का दी है आखिरी त्यौहार। अजीब कहानी है कि भी घोड़ दी झोंक ते भी आए खड़ू लेकिन घोड़ का दरवाजा बंद है बंद है बुजुर्ग ही टाइम रोंदे भी खड़े काफी बुजुर्ग का की जो सा आंसू भी दे पियो के सैनल है कि वे भी बुजुर्ग मौजूद हैं उन्होंने को भी पूछू कि वो कितने साल तू तां दे पेन क्या पहले भी यो जवा क्या थे या आज पहले दफा थी ना पे क्या है जो आज शादी का त्यौहार है असली खुशी है इस्लाम है औलिया अंबिया की बारगाह क्यों बंद है इकीजा हुकूमत है एक जालिम दे हाथ जलसा है जुलूस है बारू मेला है सारे चलते ये क्या है आखिरी त्यौहार दस बड़ी खुशी है सब पर कोर्ट में ठण कने हो मुगही कने हम लोग सिख कने शादी कने इस शादी का क्या जुल्म निशानी ये उस्मान बुज़दार वजीर आला दिए इमरान खान दी गए ये वजीर आला का क्या हाल है इमाम हर कोने परेशान इमाम हर कोने जलीलो खुआर इस जलीलत को हटा देवे बड़ी खुशी आई खुशी नहीं कबूल किया के दरबार सील है दरवाजे लग ताले लगे हुए दरवाजा अंदरों भी बंद है बाहरों भी बंद है कुछ जहरीन इन्होंने मोहब्बत तकलीफ अंदरू सहे थे उन्होंने ताले खोलने की भी कोशिश की है ताकि ताले खोलते ज़ियारत करूँ हालांकि मुमकिन नहीं होता
लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए हा जिथे मेला कराया ने उतना दरवाजे खोले बजना जहरीन जाता करना लेकिन महकमा औकाफ की बेहिसी यही गल तू उजागर है कि तुसा ये देखो कि इतना गल्ला रखिए नजराने वास्ते लेकिन ये अजीब कहानी है सरेकी दे अंदर आ देन भी ऐसा तेरे दे रहते हूं तू सा को खाना भी ना पूछे वला सा बनियो तो तू आके 200 दे दे वाने लेकिन वो अजी यो कम महकमा औकाफ कीते जाहिरिन नाल विजारत करण वास्ते सिर्फ दरवाजे को हाथ लवाए ते लेकिन चरागी लाजमी सटो लेकिन क्योंकि महकमा औकाफ को चाहिए कि दरबार आज खोली वने हां और जहरीन जरे दूर दराज तो आए खड़े उन नाल भी इतना अच्छा सलूक किया मैंने ना तो इन वास्ते बाहर का कोई तरी अंदर कोई बनाया गया ना कोई सबील का इंतजाम किया गया सर कि अपना महकमा औकाफ की तरफ तो क्योंकि अपनी तो और अपनी मदद आप के तहत जहरी का पानी का इंतजाम ये बात है इंतजाम करने पे ते असा की दे मेले दे भी तो को रंग दिखेसू क्योंकि कोशिश कीता वने कि अजा भी टाइम है बरकरार है अगर दरबार खोली वने जहरी जरे आए उन को ज्यारत वास्ते टाइम मिले मिल जा वने हो मिल जा 5 मिनट मिल जा भी लगा सा मेरा करे दे पे कि दर्द इन बुजुर्गों ने जेरे वो शेयर करने पे क्योंकि गुज़िश्ता साल भी ही उस मुबारक को इन्होंने सील किया है कोरोना की वजह को हूँ भी अगर कोरोना की वजह को दरबार सील है तो मेला ना थी रहा अगर मेला थे तो फिर दरवाजा खोलिया वे हाँ क्योंकि जहरीन सिर्फ ज्यारत वास्ते आने ना कि मेला देखा मेले नाल इंसान का कुछ नहीं होता कि अपनी मनता मुरादा पूरिया करवाने वास्ते दरबार उत्ते आने ज्यादा करें आओ अच्छा कुछ दुकानदार भी उन्होंने दुकानदारे ना भी गल करे सू क्योंकि आज 2 साल के अरसे के बाद ये मेला क्योंकि थीना पे सले दे जो रश भी है एक ब्याह है ब्याह के अंदर इतना रौनक है इतना ऐसा ना कुछ दूर दराज तू मेहमान हो उन्होंने गल करे सू हाँ जी दरबार उत्ते आयो कोई खुशी कोई गम कोई तकलीफ कोई नजर नहीं होगा अच्छा दरबार जो बंद है ही हवाले लगे आप सो हालांकि मेला तो थी पटौड़ी की खुशी का जुम्मा पाड़ी हर चीज है सराकी का लेकिन मेला दरबार की वजह से तकलीफ से बनाओ बिल्कुल उन्होंने दरबार बंद करा दिए ने मेला पिछले साल ही कहने का ये नहीं कहने का समझे ये तो व्यक्ति है छोटे छोटे बाल है हर बंदा ब्याह के इलाके का मेला है तो हम दे गरीब गुरबा अच्छा साइड में कुछ बाल हां बा आओ मेले का हाल दो क्या बने ठीक है रोना कहने कहने ये क्या की दी गनी अच्छा चलो तेरा का मेला बा बन गया हेलो मेले ना कोई मेले की रौनक लगी ना लगी अगर दरबार खुली हुए तो कहीं कुछ ज्यादा बने या अच्छा एक दुकानदार कि उन्होंने पूछो कि उन्हें कोई मसला मसाइल तो कहने हर साल मुफ्त आंदे लेकिन ही साल कोरोना की वजह को दरबार भी सील है लेकिन 800 रुपये फुट दीते हैं 14 फुट तुम आप अंदाजा लगाओ कितने हजार की बन सकती जगह अपने होस्ट मखदूम सिंह अजोबाद बुखारी को दरबार बुखारी शरीफ को इजाजत दियो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के नाल तुहाडे नाल वाला हाजिर थीसू अल्लाह हाफिज़।